मध्य प्रदेश के कड़कनाथ मुर्गे पर सियासी कड़वाहट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये कड़वाहट अब विरोध प्रदर्शन का रूप लेती जा रही है। कमलनाथ होश में आओ। दरअसल भोपाल सद्भावना अधिकार मंच ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान अधिकार मंच के संयोजक दुर्गेश केसवानी ने कहा कि सरकार को अपना ये फैसला वापस लेना होगा। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार जिस हिसाब से एक ही दुकान में चिकन भी बेच रही है और दूध भी बेच रही है, निश्चित रूप से यह हिंदुओं का मान कर रही है। यह सरकार कुंभकर्णी नींद में सोके ऐसे निर्णय ले रही है जो जनमानस की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। आज सद्भावना अधिकार मंच के द्वारा प्रत्येक कार्यकर्ता ने गगुल बजाकर कमलनाथ जी और उनकी सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाने का प्रयास किया है और प्रदर्शन के माध्यम से यह चेताया है कि कमलनाथ जी आप जाग जाओ, आप चेत जाओ, क्योंकि कभी तो आप लोग मंदिर मंदिर घूमते हो और आज हिंदुत्व का अपमान करने के लिए, जो कि नवरात्र माह है, नवरात्र का जो माह है पूरा, उसको हिंदू धर्म बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाता है, उस माह में उसी टाइम पे आप ये दुकानें खोलकर निश्चित रूप से प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात कर रहे हो। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार द्वारा जिस प्रकार का कपट हिंदू समाज के साथ किया गया है, निश्चित रूप से कड़कनाथ मुर्गे की और दूध की बिक्री एक साथ करना इस प्रकार का निर्णय है जिससे हिंदू समाज में एक आक्रोश व्याप्त है। इसी के चलते आज सद्भावना अधिकार मंच ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है और हम कमलनाथ सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल प्रभाव से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने वाले इस निर्णय को वापस ले। बता दें कि भोपाल में प्रदेश सरकार सांची पार्लर पर कड़कनाथ मुर्गा और दूध एक साथ बेच रही है, जिसको लेकर हिंदू संगठन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। होश में आओ, होश में आओ। भोपाल से न्यूज के लिए संजय जैन की रिपोर्ट। कमलनाथ होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कमलनाथ।